सबसे पहले हम लोग जानना तो यही चाहेंगे कि स्तूप होता क्या है, वही बनाए कौन है। स्तूप मीन्स होती है समाधि, और समाधि भी एक होता है किसी भी रूम के इंसाइड अंदर जाने का। बनाने का कल्चर अदर रिलीजन थोड़ा चेंज होता है। अपना हिंदू कल्चर में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है बॉडी को जलाते हैं, और बॉडी के बोन पीसेस को बेटा हम लोग रिवर्स में नदी में छोड़ते हैं, मेमोरी में उसका प्लेटफार्म बनाते हैं, जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि। इस्लाम में बॉडी को वरी करके प्लेटफार्म बनाते हैं, जैसे हिमायत उल दिल्ली अपार्टमेंट। बौद्धिज्म थोड़ा चेंज होता है, बौद्ध धर्म में बॉडी को शरीर को जलाएंगे पर तो बोन्स को रिवर्स में नहीं छोड़ा, उनको रखकर डोम बनाते हैं, उनको स्तूप कहा जाता है। तो लॉर्ड बुद्ध और अशोका में 200 ईयर्स का डिफरेंस। बुद्ध जी हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, और अशोक जी हुए थे 300 BC बिफोर क्राइस्ट। कितना डिफरेंस है बिटिया? 200 ईयर्स। बुद्ध जी सांची प्लेस नहीं आए, बनवाया सम्राट अशोक। बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर है। बोले जुआ बोध गया में फर्स्ट टीचिंग दिया सारनाथ में, और बुद्ध जी एक्सपायर हो गए कुशीनगर जिसको बनाया। बुद्ध जी एक्सपायर हुए, उनके शरीर को बॉडी को जलाया, जलाने के बॉडी के जो बोन पीसेस थे बुद्ध के उसको 8 parts में डिवाइडेड किया, 8 स्तूप बनाए थे कुशीनगर, बुद्ध के बोन्स को उसमें कवर किया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर, और कलिंग के बाद अशोक ने बौद्धिज्म एक्सेप्ट किया अपनाए बेटे, तो अशोक ने वो 8 स्तूपा को खुलवा दिया, ओपन करा दिया। जितना बॉडी का बोन्स मिला, मिट्टी मिला, मटेरियल मिला, सब कलेक्ट करवाया अशोक ने, उनको डिवाइडेड किए थे अशोक जी ने 84,084,000। क्यों? बुद्ध जी की टीचिंग 84,000 है अपने, और 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने ऑल एशिया महादेव, भारत नेपाल अफगानिस्तान भूटान कोरिया थाई कंबोडिया जापान श्रीलंका, और प्रत्येक स्तूप बुद्ध के बोन्स को मिट्टी को डालकर उसको कवर किया ओनली मेमोरी के धन प्रचार के लिए। स्तूप नंबर 1 के अंदर भी बुद्ध का बॉडी का स्तूप पार्ट है, बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंटी है, बाकी बॉडी के पार्ट इंडिया में अमरावती। अमरावती कितने डिस्ट्रिक्ट है बेटा हमारे देश में? एक महाराष्ट्र, एक आगरा। आगरा जो कैपिटल हो गया तो आगरा अमरावती ना कि महाराष्ट्र। बोध गया सारनाथ राजगीर पैसा 84,000 तो फर्स्ट एक महाजनपद अवंती का। अवंती का मीन्स किस नाम से जानते हैं अवंती को बेटा? हम उज्जैन महाकाल का मंदिर है, याद रख रहे हैं उज्जैन। उस टाइम विदिशा, यहाँ से ओनली 5 किलो डिस्टेंस विदिशा, ओल्ड नेम बैश नगर, बैश होता है बिजनेस सेंटर, बदियों की नगरी। अशोक को उसके फादर बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंती। प्राचीन रूट पाटलिपुत्र टू अवंती का, दिल्ली मथुरा आगरा शिवपुरी बैजनगर सांची अवंती का जाने का। उसी पीरियड में अशोक ने मैरिज किया था बैजनगर के बिजनेसमैन के टूटा, उसका नेम था विदुषी देवी, और विदुषी डिस्ट्रिक्ट विदिशा जो बौद्धिज्म को मानता। उनका सन एंड टूटर हुए महेंद्र एंड संगमित्रा बौद्धिज्म का नॉलेज को लेकर फर्स्ट टाइम गए थे श्रीलंका धन प्रचार को, इसलिए अशोक फर्स्ट इसको साक्षी बनाए मेरी वाइफ उसका प्रेयर कर सके। और इसी एजुकेशन सेंटर से अशोका सन एंड डॉटर महेंद्र संगमित्रा गए थे श्रीलंका धन प्रचार। संगमित्रा बौद्धिज्म का बौद्ध धर्म बौद्धिक ट्री की ब्रांच लेके गए बोध गया से श्रीलंका अनुराधापुरम को प्लांट किया, इसलिए अशोक ने पहले साक्षी गए। तो बौद्धिज्म स्टार्टिंग कहाँ से करी अशोक ने? साक्षी, साक्षी से। तो सर जी हम देखेंगे यहाँ टोटल स्तूप हमारे 47 है। अच्छा, हाँ जी। जिसे मेन हमारे 3 स्तूप, ये नंबर 1 है, ये नंबर 3 है जो मैंने बताया था अभी आपको, और नंबर 2 काफ़ी डाउन में है, और बाकी 44 स्तूप ये मॉन्क साधु सन्यासी की समाधि हमारे साइड में बनी हुई है। ये वो समाधियाँ हैं जो 300 BC से लेकर 1280 जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे रहते थे उसमें समाप्त होते थे किसी कारण से, उनके शरीर को बॉडी को इन स्थानों पर रखकर जलाकर डोम बना। स्मॉल बिग और सीनेटी होती है, और सीनेटी दो रिलीजन बौद्धिज्म और जैन धर्म में, कभी एज का नहीं होता, ज्ञान का होता, नॉलेज का होता। और स्तूप नंबर 2 जो नीचे फॉरेस्ट में है उसमें 10 टीचर 10 धर्माचल टीचिंग यहाँ करते, तो उस टाइम उनके
की बॉडी पे थ्री का तो आपने सुन ही लिया था। अब देखेंगे जिस स्तूप का निर्माण अशोक जी ने कराया 300 BC में 2300 ईयर्स पहले, ओरिजिनल स्तूप का 13 फोटा ब्रिक ब्रिक मतलब ईंट का बना। क्यों बेटे आपको मालूम है मॉडर्न डायनेस्टी के अंदर ब्रिक एंड वुडन का भी होता था, लकड़ी और ईंट का, इसीलिए अशोक के महल का एविडेंस पाटलिपुत्र में नहीं मिलता सर, क्योंकि वुडन का तो आग लगे डैमेज हो चुका था। तो ओरिजिनल स्तूप है ना वो 13 फोटा ब्रिक, वो तो इसके इनसाइड अंदर साइड है जो हमको आउटसाइड से दिखाई दे रही है। क्यों जी? क्योंकि अशोक 100 ईयर्स बाद आदर डायनेस्टी आ गई। 200 BC में कौन सा पीरियड आया बेटा? सुंगा डायनेस्टी आया। तो सुंग पीरियड में राजा था पुष्यमित्र सुंग। कैसा था बेटा वो? अपोजिट था या इसका फेवर वाला था? बोलिए अपोजिट। हम कैसे कहते हैं वो अपोजिट था, किस कारण से कह सकते हैं? तो सर वो सेनापति थे। हाँ सेनापति तो था, मगर हत्या कही कोई बात नहीं, राजा बना। परंतु तो उसको हम लोग कैसे कह सकते कि बुरा होना चाहिए? उन्होंने बुद्ध भिक्षु को मारने का दिया था ना। देखो सर आज के टाइम के इतिहास के हिसाब से तो ये सही बात है, क्योंकि वो ब्राह्मण था, ठीक है ना। बोधी जब वो कहता था मोन्स का हेड लिया 100 गोल्ड का करेंसी दूंगा, तो सत्य बात। परंतु अब दूसरे रीजन हम देखें अखबार इतिहास के जरिए देखें और देश के जरिए से देखें। ये बताइए सर कि आप किंग हैं, आपका स्टेट है, और मान के चलो आपके स्टेट में कोई भी मान लो बोधी में हो जाए, जैनिज्म हो गया, तो सब लोग उस धर्म की तरफ चले गए, तो राज की आपको रक्षा करना है तो आपके पास कोई उद्दत है ही नहीं, कोई हथियार कोई चलाएगा नहीं, बोधी में जैनिज्म में था जी बच्चे पाप है, तो आप अपने राज की रक्षा कर सकते हो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वही वही तो उसने क्या किया, उसने दबाने का उसने किया कि बोधिज्म से हिंदुज्म को थोड़ा कन्वर्ट करने से लोगों को हिंदू करो, हम अपनी राष्ट्र की रक्षा कर सकते। परंतु वो थोड़ा ज़्यादा अत्याचार कर गया था, इतना नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि पिता खराब है तो बेटा खराब होगा, कोई गारंटी नहीं, पिता अच्छा तो बेटा अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं। वही हुआ, उसका बेटा हुआ अग्निमित्र सुंग, हमारे धर्म का सम्मान करता था, उसने इसको थोड़ा फरीदा। देखो सर स्टार्टिंग चल रही है, आप कौन है, आना चाहे तो इसी में आ जाओ सर, मैं स्टार्टिंग तो कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत ही तो की अभी, जिसको आना है आ सकते हैं भाई। अभी हमारे गाइड सारे बिजी हैं, राकेश बिजी, बंटे बिजी। अच्छा चार्जेज एडिशनल? देखो सर चार्जेस होता, मैं आपको चार्जेस बता दूँ, एक टूरिस्ट या 5 टूरिस्ट होते हैं 611 चार्जेस होता है, 5 से 15 होते हैं 858 होता है, 15 से 40 का रूप होता है तो उसका 1222 चार्जेस होता है। अच्छा अब देखो एक क्वालिटी सर के साहब ने देखी हमारे सर के सामने खड़े, क्या सर ने मुझे क्या दिया? वो आपकी इच्छा, आप 1000 दे दो, 2000 दो, आपकी इच्छा नहीं देना चाहूँ, बट उसको सर गलत तो नहीं कहा मैंने है। अब जो चार्ज हमारा स्टार्ट हुआ है अभी 8 दिन पहले नया रेट आया, वो आया 858 से, 1 से 5 858, 5 से 15 जो आया वो 1520 रुपये, और एक और आया हमारा वो आया अभी हमारा 2525, अब आया 820 से स्टार्ट हुआ है। सामने हमारी क्वालिटी खड़ी है, आप पूछ सकते हैं क्या चार्ज, और आपके सामने दिया चार्ज तो नहीं था मैंने सामने दिया जी। हाँ जी, जो स्तूप अशोक ने बनाया 300 BC में, स्टोरी स्तूप इसके अंदर है, इसको अग्निमित्र सुंग ने स्टोर से कवर कराया, टापर देखो त्रिपल अम्ब्रेला लगाया, रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया, ऊपर से पलास्टर के 200 BC सुंग पीरियड का है। परंतु इसका काफ़ी पलास्टर डैमेज हो चुका है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जी? 300 BC से लेकर 12th century AD टाइम पीरियड होता है 1500 या 1500 साल, बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म सांची, 1200 AD से लेकर 1800 या 400 में कवर्ड हो चुका था, ये मुगल डायनेस्टी थी। तो बिटिया तू आगे आ जा, आप देश की जनरेशन में बिटाने वाला समय की, तो 500 फॉरेस्ट में मुगल में पीरियड में दबा रहा तो औरंगजेब से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर साहब ने 1818 में, और टेलर क्या डोम को डिस्कवर करने आए भैया जी? ना, हंटिंग करते पहुंचे थे, उन्होंने देखा डोम है, डोम है तो गोल्ड होना चाहिए, क्या कर दिया उन्होंने, हम खड़े हैं अभी वेस्टर्न गेट के ही सामने, ये खुद ध्यान देना, पलास्टर के यहाँ से लेके ये वेस्टर्न से लेकर पूरा साउथ का पूरा पोर्शन स्तूप पर डिग कर दिया, तोड़ दिया इसको, और डिगिंग करता हुआ अंदर गया, देखा सेंट है इसके अंदर, स्टोन के पीसेस हैं, सबको हटाया,
देखा स्मॉल टेरा कोटा ब्रिक स्टूप फोर्ड पे चला गया, उस पीरियड में हुआ क्या, वेस्टर्न गेट वो वाला साउथ ओपन थे पहले, दोनों गेट गिर के टूट गए, डैमेज हो गए। अब आए सर जॉन मार्शल, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइट डायरेक्टर जनरल रहे 1912 से 1920, रिस्टोर किया पोस्टल को, गेट को रिस्टोर कराया, जितना प्लेन स्टोन लगा है ये रिस्टोर्ड है, ये ओरिजिनल भाग नहीं है, जितना प्लेन स्टोन सारा रिस्टोर्ड है। अब ये ओरिजिनल प्लास्टर है 2nd BC का, ये मटेरियल कौन सा यूज किया था उस टाइम, आज क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा सेंट में हम लोग, सीमेंट, पहले खाने की दाल उड़द मूंग मसूर मेथी उसका जूस निकाल लेंगे, जूस को निकालने का ब्रिक ब्रिक का पाउडर बनाएंगे, उसको सुर्खी कहा जाता है, दाल का जूस मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे लाइम चूना खाने का गुड़ बेल जो सिबाको चढ़ाते हैं हम लोग, उसका फ्रूट होता है गम निकलता है उसमें, इनको मिक्स किया, ये प्लास्टर सेम मटेरियल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम यूज करती है, मालूम रिपेयरिंग सीमेंट का यूज नहीं करती आर्कोलॉजिकल कोई भी मालूम। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया 100 BC, सातवाहन आ गए, और सातवाहना पीरियड में रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, गेटों का निर्माण किया, फोर गेट फोर डायरेक्शन, इसलिए गेट का डिजाइन और आर्किटेक्चर जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल है, रूलर आंध्रा का है। हाँ। और गेट पर रेलिंग पर जो स्टोन का यूज किया गया है वो है सेंट स्टोन, रेतीला पत्थर, और सेंट पर कार्बिन करना 100 BC में कितना डिफिकल्ट काम होना चाहिए भैया जी, आर्टिस्ट पर डिजाइन नहीं थे, मैप नहीं थे, उनको तो आपने बुद्ध के जीवन की जातक स्टोरी जातक कथाएं बताई नहीं, और कितने आर्टिस्ट ने काम किया होगा, सबका माइंड एक सा चलना, और ये आर्टिस्ट विदिशा के आइवरी गोल्ड हाथी दंत कर रही सोने पे काम करने वाले, हाथी पे दांत के काम करने आर्टिस्ट थे। मैं पंत स्टोरी के अंदर हमको कहीं बुद्ध जी का स्टेचू मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, उस टाइम टू सेक्टर महायान पीरियड और हिमयान पीरियड, महायान वाले मूर्ति पूजा करते स्टेचू लाइक करते, हिमयान वाले नहीं करते, तो गेट बनाए अपना हिमयान पीरियड का 2001 साल प्राचीन, जब मूर्ति पूजा नहीं थी हमारे यहाँ, हमने राम नहीं देखा, कृष्णा नहीं देखा, बुद्ध नहीं देखा, महावीर नहीं देखा, सारी स्टेचू अपना से बना, फिर हम बुद्ध को कैसे टेली करेंगे, जैसे प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग देखते हैं आप लोग, शिवा का सिंबल स्टेचू नहीं है, बुद्ध को फोर सिंबल, बौद्धिक ट्री जिसके बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो बोध गया पीपल का ट्री, अम्ब्रेला राजा पे छत्र अम्ब्रेला होता है, थर्ड सिंबल स्टोन के पीस इसको बोलते हैं अपन प्लेटफार्म, क्यों, हम भी घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं, बुद्ध ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन बैठ कर प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म कहा। लास्ट सिंबल स्मॉल स्तूप का डिजाइन, इसको मतलब कुछ है, इसमें बुद्धा का बोधी का पार्ट है, सिंबल है बुद्धा, देखेंगे समझेंगे, जैसे कि अभी अपन उस गेट पर सिंबल में देखा था अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, दिखाया था बेटा मैंने दिखाया था, तो हम सिंबल है बुद्धा देखते हैं। यही गेट की कार्बिन की बेस पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में इसको डिक्लेयर किया, केवल गेट की वजह से। तो बच्चों यही गेट की बेस पर RBI ने कुछ न्यू करेंसी चला दिया, कौन से नोट के ऊपर सांची का 200 पे क्यों है सर, 2000 पे क्यों नहीं लिया, 200 भी क्यों लिया, 200 पॉलिटिक्स 1818 डिस्कवर है मालूमेंट, और 2018 अपना उस टाइम एंड हुआ था, 200 साल हुआ इसको डिस्कवर कर, इसलिए 200 पे सांची है, 2000 पे मंगलयान ने आपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था फर्स्ट मंगलयान, 500 दिल्ली का रेड को लाल किला है उसको बने 500 ईयर्स उस टाइम हो चुका था, 100 पर रानी का बाव गुजरात है, बावड़ी 1000 ओल्ड है बावड़ी, 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ सेंचुरी मान तो 100 पे ले लिया, 50 रुपीज़ का हम्पी है कर्नाटक का प्लेस उसको 50 ईयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर यूनेस्को, 20 रुपीज़ पे एलोरा केस महाराष्ट्र उसको 20 ईयर हो गया ब्रिटेड यूनेस्को, और 10 रुपीज़ के ऊपर है कोनार का सन टेम्पल उसको 10 हो गया ब्रिटेड यूनेस्को, किसका माइंड था, पूर्व गवर्नर रघु राम बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, उनके फादर PS थे प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ मध्य गवर्नमेंट, सौभाग्य मेरे लिए सर ने रिजाइन दिया था, रिजाइन देने 5 महीने पर विजिट था सांची, मैंने गाइड किया सर को, 20 बॉयज़ मेरी और 20 बॉयज़ सर की है, तब सर ने कहा था किस नोट में बदल रही है हमारी सरकार, गवर्नमेंट कौन सा HD प्रिंट करने जा रही है, और तो प्रिंटिंग हुई मोदी सरकार में जाता है, माइंड रघु राम का जन करें, चलो सर ना।